वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानी एसएमपी। हमने पिछली वीडियो में एक अपना स्पॉन ढूंढ लिया। आज हम लोग बनाने वाले एक वुल फार्म, क्योंकि देखो जितने भी हमें बिल्ड बनाने हैं उसके लिए हमें चाहिए होगी वूल, और हम पे अभी वूल नहीं है तो हमें बनाना होगा एक अपना वुल फार्म ताकि हमें हर कलर की वूल मिल सके। देखो मतलब ग्रीन ब्लैक जो सी भी हमें चाहिए हमें मिल सके। चलो आज बनाते हैं वुल फार्म। देखो अब मैं आज को पाकिस्तानी एसएमपी में यहाँ पे यार, एक तो बारिश का भी नहीं रुकती यार, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ देखो अब मुझे चाहिए होंगे डाई वगैरह, ठीक है। अभी डाई वगैरह भी मुझे चाहिए एंड भाई मैं उसके लिए मुझे नहीं पता मुझे डाई कहाँ से मिलेगी। देखो मेरे पे अभी ऑरेंज मतलब इस तरीके की डाई मिल सकती है, लेकिन हमें जो चाहिए वो है ग्रीन। ग्रीन मिलती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनक्राफ्ट में कैक्टस से, एंड कैक्टस हमारे पास नहीं है यार। हमें पाकिस्तान का फ्लैग बनाना है उसके लिए हमें ग्रीन डाई चाहिए, और ग्रीन डाई हम पे नहीं है। देखो अभी मैं ब्लैक डाई जब तक इससे ले लेता हूँ इसको मार के, भाई मेरे को स्क्विड से मिल जाएगी मेरे ख्याल से ब्लैक डाई, एंड लेकिन मस्त ग्रीन डाई खाएगा यार। या तो उसका एक और हाल है वो बॉन्डिंग ट्रेडर से, जैसे हमने पिछली बार लिया था, लेकिन वो भाई बहुत रेयर चांस है। हम किस्मत पे बैठे रह सकते हैं या हमें किसी, भाई मैं पहले एक काम करता हूँ यहाँ से वुड ले लेता हूँ भाई, क्योंकि हम पहले हमें एक बनाना होगा उसका मतलब ब्लू प्रिंट, और मैं पहले यहाँ से जितना भी होता है काम वगैरह तोड़ के तुम लोग से फिर मिलता हूँ भाई। वो ज्यादा भी इसमें मतलब बहुत ज्यादा भी हमें ग्राइंड करना पड़ेगा एक ब्लू प्रिंट के लिए से। देखो अब मैं इधर आ रहा हूँ भाई, मेरे को मैं यार यहाँ पे ज़ॉम्बी लोग आ गए, तो मैं पता है मैं इनको भाई पानी के अंदर तो क्या मैं पीछे में खेलूँ, मैं इनको छोड़ूंगा भाई यार। ऐसे मुझे लग रहा है मैं बुलबुले जो मेरा खत्म हो रहा है उसकी वजह से मैं ना मर जाऊँ, लेकिन तुम्हारा भाई भी बहुत ज्यादा प्रो भाई, हम प्रो हैं भाई। ये क्या ये गया दूसरा गया, और इससे पहले क्या भाई मेरी हेल्थ जाएगी, और मेरी हेल्थ जाएगी क्या जा रही है, क्योंकि भाई मैं नूबड़ा हूँ भाई, मैं मेरे को बस चलते सीधे यहाँ से कर रहा है यहाँ पे। ये देखो मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हम लोग बनाने लगे अपना मतलब जो भी है इसके मतलब शुरू कर देते हैं। देखो हमें मतलब जितना बड़ा पिछली बार हमने काफी छोटा सा बनाया था, इस बार हम लोग बनाएंगे काफी बड़ा। हाँ इस बार हम लोग बनाने लगे काफी बड़ा फार्म, एंड मेरे ख्याल से भाई बहुत लंबा काम होगा। मैं इसकी पहले पूरा मतलब जितना भी आउटर है वो तो मैं बनाता हूँ, एंड फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ। देखो कुछ इस तरीके से इसका होगा, चारों तरफ अब हम मतलब इसके ये ओक लॉग लगा देंगे, फोर ब्लॉक्स आए, एंड भाई इसको मतलब अब मुझे इसकी मतलब जो रूफ होती है वो मुझे नहीं पता कैसे बनाऊंगा, लेकिन हाँ देखो अब इसका जो मतलब दरवाजा है वो यूं करके कुछ बनाएंगे, दोनों साइड के वाले ब्लॉक लगा देंगे। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि वॉल लगा दूँ, मतलब इसी ब्लॉक इसी टाइप की वॉल जो होती है काफी अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से, एंड ये मैं अपने हिसाब से बिल्ड बनाई जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बना दिया मैंने, लेकिन हाँ कुछ तो बना रहा हूँ, मैं फार्म टाइप बना लूँ लेकिन बना दूंगा। देखो ये हो गया, अब मुझे इसके बाद इसके इंटीरियर मतलब जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने होंगे। देखो यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मुझे मतलब देखो इस यहाँ से एक वॉल लेके आ जाऊंगा, वॉल इस तरीके से मुझे इस तरीके तकरीबन फाइव पार्ट्स बनाने मतलब फाइव डिवीजन बनानी होंगी इसके अंदर, तो मैं बना लूंगा यार मतलब ये बनाता हूँ, और भाई किस तरह बनेगी मतलब क्या हिसाब होगा वो मैं देखता हूँ पहले यार, मुझे थोड़ा भी थोड़ा दिमाग को यूज करना पड़ेगा, एंड फाइनली एक एक हो चुके इस तरीके बस बनाने, और रात हो चुकी है पहले यहाँ से, अब चलते हैं सीधा घर। तो इसकी छत बनाने यानी रूफ बनाने, एंड मेरे को नहीं पता मैं कैसे बनाऊंगा। देखो मैं यूज कर रहा हूँ स्लैब, क्योंकि स्लैब पे मॉब्स स्पॉन नहीं होते, और मैंने एक विलेज की टाइप का बना चुका हूँ। देखो कुछ इस तरीके से लग रहा है, देखो बाहर से क्योंकि बाहर से तुम्हें पता है, और ये घोड़ा पता नहीं बीच में कहाँ से आके टॉर्चेज लगा देते हैं, कोई मॉब्स स्पॉन ना हो जाए, क्योंकि हो सकते हैं मॉब यार, लेकिन जो भी हो देखो यहाँ पे हर जगह टॉर्च पहले लगा देते हैं थोड़ी रोशनी करते हैं, सही है, लेकिन काफी मतलब डेंजर सी लुक आ रही है। देखो अजीब सा लग रहा है मेरे को, मतलब डेंजर लुक तो आ रही है, तुमने मैंने बनाया तो डेंजर तो आएगी। देखो यार तुम अगर आओ तो देखो काफी मतलब फार्म की एक लुक आ गई है, फार्म वाली जो एक लुक होती है वो इसमें आ चुकी है, लेकिन मतलब अच्छा नहीं दिख रहा, उसको बना लेंगे उसकी सीन नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा क्रॉप वगैरह उगाया ताकि मैं जो शीप है उसको पकड़ के ला सकूँ, उसको मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ, और साथ में पहले इस वाले वीट को निकाल लेता हूँ, वही वीट वैसी ही नहीं है खत्म हुई भी है, लेकिन हाँ एक वीट मिल चुकी है, एंड अब यहाँ से चलते हैं किसी ना किसी शीप को तो पकड़ते हैं, आसपास कहीं ना कहीं होगी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ घर भाई मेरे काफी अभी बना नहीं, इसको बनाएंगे बाकी काम, लेकिन एक काम करते हैं पहले सो जाते हैं, क्योंकि भाई रात होने वाली है, मॉब से बहुत डर लगता है, मॉब आके मार गया तो फिर अलग बात। चलो मुझे सामने एक शीप दिख रही है, इसको मैं पकड़ के ले आता हूँ, एंड इस वाली शीप को आजा भाई आजा जल्दी आ जाए, इसको मैं अंदर बंद कर देता हूँ, एंड इस तरीके से और भी बाकी शीप्स भर के लाते हैं, एंड इस पूरे फार्म को अपने फिल कर देते हैं, एंड इनको डाई भी दे देते हैं मतलब डाई कर देते हैं, और रंग बिरंग के कर देते हैं, और अपने पास वूल की एकदम फैक्ट्री लग जाएगी। हाँ मुझे पता है तुम लोग को अगर हंस के भाई वो कैसे, तो तुम्हें मैं अब करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बाकी ज्यादा और भी मतलब वो शीप ला के दिखाता हूँ, या मुझे वैसे यहाँ पे एक काम करते हैं थोड़े ये रख देते हैं, एंड मुझे चाहिए अभी लावा भाई मेरे पे, क्योंकि कोल ही खत्म है यार, अब कोल खत्म है तो क्या भाई, मुझे अब चाहिए का लावा ताकि मैं इसको स्मेल कर चुका, ये ट्रेडर दोबारा घूम रहा है, इस पर भी कोई मजे की डाई नहीं है, मतलब ट्रेडर आते रहते हैं यार,
किसी एक पे अगर डाई निकल आई तो किस्मत भाई, अगर तेरे पे कोई इस तरह की डाई हो प्लीज मेरे को बता दे, क्योंकि भाई मेरे को ग्रीन डाई चाहिए यार पाकिस्तान, मतलब या तो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा या मुझे इनसे डाई लेनी पड़ेगी, ये दो चांस है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है भाई, नथिंग। अब ये यहाँ पे आ चुके हैं ठीक है, एंड यहाँ से अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने फार्म पे। एंड भाई ये देखो काफी इसकी अच्छी मैंने लुक बना दी, ग्लास एंड भाई बहुत ज्यादा चीजें यूज करके, एंड मैं इसमें और भी शीप ला चुका हूँ, देख और तो नहीं लाया खैर, हाँ मतलब जितनी थोड़ी बहुत लाए हो, लेकिन काफी अच्छी इसकी अब लुक आ रही है, तुम लोग देख लो भाई तुम्हारे भाई ने बनाया लुक कैसे ना यार, हम लोग बिल्डर है माइनक्राफ्ट के काफी अच्छे हैं भाई, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है माइनक्राफ्ट के। आ जाओ भाई शीप भाई जल्दी से आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ, एक काम करते हैं इनको छोड़ते हैं, मैं और ज्यादा कहीं से शीप पकड़ के लाता हूँ ठीक है, क्योंकि भाई ये तीन है, तीन के अलावा भी मैं दूसरे पार्ट में सब डिविजन में रखना चाह रहा हूँ एंड पूरे फार्म को भर दूंगा। आ जाओ भाई आ जाओ शीप आ जाओ भाई आ जाओ शीप आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ गया भाई फाइनल, मैं बता रहा हूँ मैं पूरे फार्म को भर दूंगा एकदम निंजा, आ जा भाई ये देखो फाइनली अपने पास इस तरीके से छह शीप्स हो चुकी हैं एंड इस तरह मैं पूरे फार्म को भर दूंगा, एकदम डेंजर लेवल पे हो जाएगा अपना फार्म एंड फिर इसके मैं भाई लिख दूंगा फिर इसके फार्म भाई, क्योंकि हम यहाँ पे आप करेंगे इसका फार्म भाई, मतलब हम इसकी फार्मिंग करेंगे एंड यहाँ पे आप बहुत डेंजर से हमने अपना फार्म बना चुके हैं यार बाहर ना जी, आ जाओ सारे इधर आ जाओ भाई, ये काम करते हैं इनको मैं डाई कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये ब्लैक वाले भाई निकल यहाँ से, हाँ उधर भाग जा भाई, तू उधर भाग यहाँ ना दी मैं बता रहा हूँ उधर भाग जा यार, मैं उस साइड पे ब्लैक करूंगा इस साइड सारों को रेड कर दूंगा, सिंपल बात है। हाँ ये लोग अपने आप को मतलब मेरे से ज्यादा भाई तुम में अकल नहीं है, तुम इधर एक काम करते हैं दरवाजे से बाहर कोई नहीं निकल जाए भाई, इसको बंद कर देते हैं, आ जा भाई भाई ब्लैक वाले भाई तुम इधर आओ ना यार अजीब, ये छोटा वाला भी आ गया, चलो इस दरवाजे को बंद करो पहले वहां पे सारे निकल आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आ चुका है इन सबको, मतलब हम ये बीट यार खिलाऊं या ना खिलाऊं, आ जा भाई तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें कहानी ये बता दो, एक को खिला देते हैं यहाँ से, अब चलते हैं भाई मेरे पे बीट खत्म हो चुकी है एंड अब मेरे खास से इनको डाई करते हैं, इनका वक्त आ गया एंड साथ मेरे पे शेयर्स भी शेयर है यार शेयर है, मैं समझे मेरे पे शेयर नहीं डाई करते हैं इसको भी रेड, भाई पीछे वाले भाई तुम भी आ जाओ यार, तुमको भी मैं रेड कर दूँ, आज सबको रेड रेड कर देंगे, आ जा भाई आ जा आज सबको मैंने यहाँ रेड कर दिया। अब दूसरी साइड चलते हैं, वहां पे जो हमने उससे स्क्विड को मार के ब्लैक डाई ली थी, अब हम उनको भी ब्लैक कर दें, चलो यार भाई ब्लैक हो गया, एक एक तो ओरिजिनल ब्लैक है भाई, इसको मैं रेड नहीं कर सकता यार, क्योंकि ये पूरा ब्लैक का एरिया होने वाला है, तो यहाँ पे हम इनको ब्लैक ही करने लगे सिर्फ और सिर्फ भाई, छोटे भाई इसको भी करते हैं यार, ये हो जाएगा देखो ये भी ब्लैक हो गया, ये छोटा वाला भी ब्लैक होता है ये होता है, चलो ये भी ब्लैक हो गया और फाइनली यहाँ पे हमारे पे फोर ब्लैक शीप्स एंड थ्री रेड शीप्स हैं। हाँ अभी बाकियों का भी कर लेंगे यार, बाकियों का मसला नहीं, आ जाओ देखते हैं भाई, आप भी दे दो बोल भाई, अपनी बोल दे दो भाई जल्दी से, हमें बहुत जरूरत है इसकी भाई, आ जाओ तुम भी रहते हो ना, तुम भी बोल दे दो भाई, फाइनली देख रहे हो भाई भाई विद इन अ सेकंड भाई हम पे छह भूल आ चुकी हैं, जो हमने शुरू में हमें भूल नहीं मिल रही थी, अब तो इतनी ज्यादा भूल है हम पे भाई, भूल का कारोबार कर सकते हैं हम, चलो ये देखो एक बैठा हमारे यूं ही बन जाता है भाई, हम पे भूल की कमी तो नहीं है, अब यहाँ से चलते हैं बाकी शिप्स का भी कहीं से बंदोबस्त करते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से अजीब है एंड बाकी शिप्स का भी मैं अगले एपिसोड से बंदोबस्त कर लूंगा, बहुत ज्यादा इसको भर देंगे एंड ये है हमारा पूरा का पूरा फार्म एंड ऑल दिस वॉज माइनक्राफ्ट पाकिस्तानी एचएमपी, ये हमारी दूसरी एपिसोड थी एंड आज हम लोग ने मतलब एक फार्म बना लिया एंड नेक्स्ट एपिसोड में होप्स हम किसी लॉन्च हरनी पर जाए, क्योंकि हमें चाहिए कैक्टस या अगर हमें डाय मिल जाती है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अब हमें विलेजेस ढूंढने हैं एंड उसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो, चलिए ठीक है एंड बाय बाय।